पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पहली पुण्यतिथि पर शनिवार को बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के अलार्गो स्थित समाधि स्थल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जगन्नाथ महतो झारखंड के हित के बारे में सोचते रहते थे। कोरोना के कारण हम लोगों ने एक कर्मठ साथी खो दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा लोकसभा चुनाव और स्थानीय नीति पर भी बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा को यहाँ की जनता नहीं बल्कि खनिज संपदा से प्यार है। श्री सोरेन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाकर रहेंगे। साथ ही सरना धर्म कोड व आरक्षण में वृद्धि लागू करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र, संविधान व झारखंड को बचाना है, नहीं तो ये लोग एक दिन सबको नष्ट कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आदिवासियों और मूलवासियों की सोच के साथ काम कर रहे थे, साजिश कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गिरिडीह लोकसभा की झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो समेत अन्य लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।